मैं तुम्हारे मिकाशो को लेकर आया हूँ शंकारा, कहाँ हो तुम? ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है, तुम कासानी पहाड़ी के करीब आ जाओ। उस पहाड़ी की एक चट्टान पर सुर्ख रंग का एक बिच्छू बना हुआ है, मैं वहीं आ रही हूँ। ओवर, दूसरी तरफ से शंकारा की आवाज सुनाई थी। मैं उसी पहाड़ी के करीब हूँ शंकारा। ओवर, इमरान ने चट्टान पर सुर्ख बिच्छू के निशान को देखकर कहा। ओके, मैं आ रही हूँ। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से शंकारा ने कहा, और उसके साथ ही उसने राब्ता मुनकते कर दिया। इमरान ने जुगाली करने वाले अंदाज में मुंह चलाया और ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रख लिया। उसने पलट कर देखा तो मुख्तलिफ चट्टानों के पीछे से उसे सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान के सर दिखाई दिए, जो उसी की तरफ देख रहे थे। इमरान मुस्कुराता हुआ गार के दहाने से हटता चला गया। तकरीबन 7 मिनट बाद अचानक इमरान ने गार के दहाने से किसी को बाहर आते देखा। गार में चूंकि कदरे अंधेरा था, इसलिए वो एक साया सा मालूम हो रहा था। चंद ही लम्बों में साया गार के दहाने तक आ गया। इमरान ने देखा वो शंकारा ही थी। उसका सिया और भयानक चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे उनमें अंगारे से दहक रहे हों। उसकी नजरें इमरान पर गड़ी हुई थी। वो कदम ब कदम चलती हुई आगे आई और इर्द गिर्द देखने लगी। फिर वो एक दायरे और दायरे में सीधे खड़े खंजरों को देखकर चौंक पड़ी। ये क्या है? शंकारा ने हैरत भर लहजे में कहा। चूचू का मुरब्बा, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। चूचू का मुरब्बा? ये चूचू का मुरब्बा क्या होता है? शंकारा ने हैरत भर लहजे में कहा। अरे, तुम्हें चूचू के मुरब्बे का नहीं पता? हैरत है, हमारी तो ये बेहद मरूम गिजा है। बस दो चार चूचू पकड़े, उनकी गर्दन मरोड़ी और फिर उनका मुरब्बा बना लिया। ये अलग बात है कि चूचू का मुरब्बा खाने से बदहजमी हो जाती है, मगर बदहजमी सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो चूचू का मुरब्बा खाते हैं। मैंने ना आज तक चूचू देखा है और ना उनका मुरब्बा खाया है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए ला दूं कहीं से, इमरान ने मजाहिया से अंदाज में कहा। फिजूल बातें मत करो, शंकारा ने से घूर कर कहा। तो फिर क्या करो, तुम ही बता दो, इमरान ने मासूमिया से कहा। मिकाशो कहाँ है? शंकारा ने जख्मी नागन की तरह फनकार कर कहा। कौन मिकाशो? इमरान ने जानबूझकर हैरत का इजहार करते हुए कहा। मेरा गुलाम, शंकारा गुर्राई। उसी लम्हे शंकारा के उकब में एक साया सा लहराता दिखाई दिया। उस साये को देखकर इमरान चौंक पड़ा। साये ने शंकारा से कुछ कहा तो शंकारा बेख्तियार चौंक कर उस तरफ मुड़ गई। ठीक है, शंकारा ने हंकारा भरते हुए कहा और फिर मुड़कर दोबारा इमरान की जानिब देखने लगी। इमरान, मैं जानती हूँ मिकाशो और तुम्हारे साथी यही है और वो मेरे खौफ से छुपे हुए हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें और मिकाशो को अपने साथ ले जाऊंगी और फिर अफ्रीका के जंगलों की पहाड़ियों के कार में दबे हुए काशार के जिस्म को तुम दोनों के जरिए हासिल करूंगी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। काशारा का जिस्म हासिल करने मैं खुद जाऊंगी, उसके लिए मुझे इस जिस्म की जरूरत है जिसमें मैंने अपनी रूह डाल रखी है। मेरा ये जिस्म खत्म होने वाला है, इस जिस्म की हिफाजत के लिए मुझे तुम्हारे और मिकाशो के खून की जरूरत है। मैं तुम दोनों को हलाक करके तुम्हारे खून से गुसल करूंगी तो मेरा ये जिस्म इसी तरह बरकरार रहेगा और फिर मैं वापस अफ्रीका के जंगलों में चली जाऊंगी। फिर मैं अपनी ताकतों के जरिए काशर का जिस्म हासिल कर लूंगी। काशर का जिस्म हासिल करते ही मुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी और फिर इस सारी दुनिया पर शंकारा का राज होगा, सिर्फ शंकारा का। शंकारा ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। आखिरी अल्फाज बड़े मुतकब्बराना अंदाज में कहे थे। मेरा खून तो कड़वा है जो तुम्हें किसी भी तरह हजम नहीं होगा। अलबत्ता तुम अपने मिकाशो और मेरे एक साथी का खून हासिल कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उनके खून से चाहे तुम गुसल करना या अपनी प्यास बुझा लेना। मिकाशो के अलावा मेरे जिस साथी का खून लजीज और इंतहाई मीठा है वो मेरी होने वाली जुरू का भाई है। कहो तो आवाज देकर उसे यही बुला लूं, इमरान ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर तनवीर तो गुस्से से बल खाकर रह गया था। अलबत्ता उसके दूसरे साथी जो चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे बेख्तियार मुस्कुरा दिए थे। नहीं, मुझे तुम्हारा और सिर्फ मिकाशो का खून चाहिए, शंकारा गुर्राई। अरे बाप रे, तुम तो मुझे डरा रही हो शंकारा, इमरान ने घबराने की अदाकारी करते हुए कहा। शंकारा ने इमरान की बात का कोई जवाब न दिया और कदम बढ़ाती हुई इमरान के करीब आ गई। तुमने और मिकाशो ने यहाँ मेरी हलाकत का सामान किया है, यही सामान अब तुम्हारी और मिकाशो की हलाकत का बास बनेगा। इमरान, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से हलाक करूंगी, शंकारा ने गजबनाक लहजे में कहा। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, शंकारा बिजली की सी तेजी से हरकत में आई और उसने इंतहाई फुर्ती से जो जिस्टू का खौफनाक वार किया, उसका बाया बाजू बर्क रफ्तारी से इमरान के दाएं पहलू से रगड़ खाता हुआ निकला और उसका दाया घुटना पूरी कुव्वत से इमरान के पेट से टकराया। इमरान बुरी तरह से टकराता हुआ पीछे हटता चला गया। उसके अंदाज में लड़खड़ाहट थी। शंकारा ने अचानक और निहायत खौफनाक अंदाज में वार किया था जिसकी इमरान को शायद तवक्को न थी, लेकिन शंकारा के इस जबरदस्त वार पर वो दिल ही दिल में उसे दाद दिए बगैर न रह सका। शायद फूलवती जबरदस्त फाइटर थी। शंकारा ने चूंकि उसके जिस्म पर कब्जा कर रखा था, इसलिए उसने जदीद अंदाज के फाइटरों की तरह इमरान पर हमला किया था।
उसी लम्हे शंकारा ने एक जोरदार चीख मारी और उसने उछलकर कलाबाजी खाई और फिर वह हाथों और पैरों के बल कलाबाजियां खाती हुई माहिर जिम्नास्टिक की तरह इमरान के करीब आ गई। इमरान ने बिजली की सी तेजी से दाएं तरफ होना चाहा, मगर शंकारा ने उल्टी कलाबाजी खाते हुए दोनों टांगे जोड़कर इमरान की ठुड़ी पर मार दी। इमरान उछला और पुश्त के बल जमीन पर गिर गया। शंकारा वाकई एक खौफनाक और माहिर लड़का साबित हो रही थी जिसने इमरान जैसे फाइटर को लम्हों में जमीन पर गिरा दिया था। शंकारा तेजी से कलाबाजी खाते हुए सीधी हुई और उसने ऊंची छलांग लगाई और ऐन इमरान पर गिरती चली गई। उसने फिजा में ही अपने घुटने मोड़ लिए थे। शायद वो घुटनों के बल इमरान के सीने पर गिरकर उसकी पसलियां तोड़ देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि शंकारा इमरान पर गिरती, इमरान तेजी से करवट बदल गया। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो शंकारा वाकई घुटनों के बल उसके सीने पर गिरकर उसकी कई पसलियां तोड़ देती। इमरान को करवट बदलते देखकर शंकारा ने तेजी से अपने पैर खोले और फिजा में घूमकर पैरों के बल जमीन पर आ खड़ी हुई, लेकिन साथ ही वो तेजी से घूमी और उसकी दाई टांग नीम दायरे के सूरत में घूमती हुई इमरान की जानिब बढ़ी। इमरान ने खुद को झुकाते हुए दोनों हाथों से अचानक शंकारा की टांग पकड़ी और उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेल दिया। शंकारा उलटकर गिर पड़ी। इमरान के लिए इतना मौका ही काफी था, वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया। शंकारा ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। तुम आज मेरे हाथों से बच नहीं सकते इमरान, शंकारा गुर्राई। देखते हैं, इमरान मुस्कुराया। साथ ही वो यकलक ऊपर को उछला। दूसरे ही लम्हे शंकारा के हलक से एक जोरदार चीख निकल गई और वह धप से साइड के बल जमीन पर जा गिरी। इमरान ने फिजा में छलांग लगाकर घूमते हुए लेफ्ट हुक पूरी कुव्वत से शंकारा के पहलू में मार दिया था। शंकारा जैसे ही जमीन पर गिरी उसका जिस्म हैरत अंगेज तौर पर इस तरह ऊपर को उछला जैसे गेंद पूरी कुव्वत से जमीन से टकराकर ऊपर को उछलती है। फिजा में उछलते ही उसने अपने जिस्म को मोड़ा और फिर उसने अपनी टांगे फैलाकर पूरी कुव्वत से इमरान के सर पर मारनी चाही, मगर इमरान ने झुकाई देते हुए न सिर्फ शंकारा का वार बचाया बल्कि वो यकलत उछला और उसने फिजा में कलाबाजी खाते हुए अपनी टांग घुमाकर शंकारा की कमर पर इस जोर से मारी कि शंकारा फिजा में रोल होती हुई दूर जा गिरी, जबकि इमरान ने फिजा में एक और कलाबाजी खाई और पैरों के बल जमीन पर आ खड़ा हुआ। शंकारा उठी, अब उसका चेहरा गैस वो गजब से बुरी तरह से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। वो खूंखार नजरों से इमरान को देखते हुए आगे बढ़ी और फिर उसने लॉन्ग जंप लगाते हुए एक बार फिर इमरान पर छलांग लगा दी। इस बार इमरान अपनी जगह से एक इंच भी ना हिला था। जैसे ही शंकारा उड़ती हुई उस तक आई, इमरान बिजली की सी तेजी से तड़पा। उसने पहले अपने जिस्म को कमान की तरह झुकाया, फिर यकलक सीधा होते हुए उसने शंकारा को फिजा में ही दबोच लिया जैसे बास चिड़िया को दबोचता है। इमरान ने शंकारा को पहलुओं से पकड़कर दोनों हाथों को इस जोर से गर्दिश दी कि शंकारा किसी तेज रफ्तार पंखे की तरह घूमकर रह गई। इससे पहले कि वो टांगे चलाती, इमरान ने उसे पूरी कुव्वत से फिजा में उछाल दिया। जैसे ही शंकारा फिजा में बुलंद होकर नीचे आई, इमरान ने उछलकर अपने दोनों हाथ जमीन से टिकाए और फिर उसने नीचे आती हुई शंकारा के कांधे और पहलू में इस अंदाज में पैर मारे कि शंकारा चीखती हुई एक बार फिर फिजा में बुलंद हुई और फिर बुरी तरह से रोल होती हुई ऐन उस हिसार में मौजूद खंजरों पर जा गिरी जो जोसेफ ने उसके लिए लगा रखे थे। शंकारा के हलक से निकलने वाली चीखें बेहद तेज और लर्जा खेज थी। वो मुंह के बल उन खंजरों पर गिरी थी और उसके जिस्म में सातों खंजर आर पार हो गए थे। उन खंजरों में उसका जिस्म पुर दिया गया था और वो यूं जोर जोर से झटके खा रही थी जिससे वो जान कुने के आलम में मुब्तला हो गई हो। वेल डन बॉस, वेल डन, ये काम किया है तुमने। शंकारा को दायरे में गड़े खंजरों पर गिरते देख कर अचानक जोसेफ ने चीख पड़ने वाले अंदाज में कहा और फिर चट्टान के उकब से भागता हुआ इमरान के पास आ गया। शंकारा का जिस्म खंजरों में फंसा बुरी तरह से तड़प रहा था। चट्टानों के उकब से सीक्रेट सर्विस के मेंबर हैरत और जिस दिलचस्पी से इमरान और शंकारा की फाइटिंग देख रहे थे, शंकारा को खंजरों पर गिरते देख कर वो भी चट्टानों के पीछे से निकल आए थे और फिर तेज तेज चलते हुए वो इमरान और जोसेफ के करीब आ गए। क्या ये हलाक हो गई है, जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। अभी इसने बताया नहीं है, इमरान ने सादे से लहजे में कहा। बताया नहीं है क्या मतलब, क्या नहीं बताया इसने, जूलिया ने चौंक कर कहा। यही कि ये हलाक हुई है या नहीं, इमरान ने कहा तो जूलिया ने होंठ मीच लिए और इमरान की जानिब गुस्सैली नजरों से घूरने लगी। ओ ये से क्या हो रहा है, अचानक चौहान ने कहा तो वो सब चौंक कर शंकारा की जानिब देखने लगे। शंकारा का जिस्म अब साकित हो गया था, अब उसका जिस्म सिया रंग से सफेद होना शुरू हो गया था और फिर यूं लग रहा था जैसे उसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया हो। फिर उसका पतरीला जिस्म चूने की तरह उबलने लगा, फिर उसका चूने की तरह उबलता हुआ जिस्म जमीन पर पहलने लगा, फिर चूने की तरह उबलते हुए जिस्म से सिया धुआं से निकलने लगा। देखते ही देखते शंकारा का जिस्म मुकम्मल तौर पर पिघल गया, फिर अचानक उस मलगुबे से सिया धुआं सा उठा और एक जगह जमा होता चला गया और फिर उस धुएं ने एक इंसानी कदकाठ इख्तियार कर लिया। धुएं में उस इंसान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था,
उसी लम्बे धुवे नुमा वो जिस्म जोसेफ के बनाए हुए दायरे में चकराने लगा। यूं लग रहा था जैसे वहाँ कोई शीशे का बना हुआ बहुत बड़ा सुतून हो। धुआं उस शीशे के सुतून से निकलने के लिए चकरा रहा था, लेकिन उसे जैसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता न मिल रहा हो। फिर अचानक माहौल तेज और इंतहाई करियरनाक चीखों से गूंजने लगा। धुवे नुमा जिस्म दायरे में बुरी तरह चकराता हुआ चीख रहा था। ये देखकर जोसेफ ने जेब से चांदी की लंबे मुंह वाली बोतल निकाली और उसका चांदी का डॉट निकालकर तेजी से दायरे की तरफ बढ़ गया। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर हैरत से आंखें फैलाए उस धुए नुमा जिस्म को देख रहे थे, जिसकी तेज और लर्जा देने वाली चीखों से माहौल गूंज रहा था। चीखें इस कदर तेज और खौफनाक थी कि उन्होंने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। जोसेफ दायरे के करीब जाकर बैठ गया। उसने लंबी गर्दन वाली बोतल नीचे रखी और आहिस्ता आहिस्ता उसका मुंह दायरे के करीब ले गया। फिर उसने बोतल का मुंह दायरे में रख दिया। अब बोतल का मुंह दायरे में था और बोतल का बड़ा हिस्सा दायरे से बाहर था, जिसे जोसेफ ने पकड़ रखा था। जोसेफ ने जैसे ही बोतल का मुंह दायरे में किया, धुवे नुमा जिस्म ने एक हौलनाक चीख मारी और उसका जिस्म तेजी से चकराता हुआ नीचे आ गया। दूसरे ही लम्हे धुवे ने एक लंबी लहर का रूप धारा और फिर धुवे की लहर उसी बोतल के मुंह की तरफ बढ़ती नजर आई। वो सब जैसे दम साधे ये सब देख रहे थे। धुएं की लहर का एक सिरा बोतल के मुंह तक आया और फिर उन्होंने उस धुएं को बोतल के खुले दाहने में दाखिल होते देखा। सांप की तरह बलखाता हुआ धुआं तेजी से बोतल में दाखिल हो रहा था और फिर जैसे ही उसका आखिरी सिरा बोतल में दाखिल हुआ, जोसेफ ने तेजी से बोतल को उठाया और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चांदी का डॉट बोतल के मुंह पर रखकर जोर जोर से हाथ मारते हुए बोतल का मुंह बंद कर दिया। मैंने शंकारा को काबू कर लिया है, मैंने शंकारा की रूह को बोतल में बंद कर लिया है, मैं कामयाब हो गया बॉस। जोसेफ ने बोतल का मुंह बंद करने के बाद खुशी से नाचते हुए कहा। शंकारा की बदरू को बोतल में जाते और बोतल में बंद होते देखकर इमरान के चेहरे पर भी तबानियत आ गई थी और सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान के भी चेहरे खिल उठे थे। इसे कहते हैं खसकुम जहां पाक, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड जोसेफ, तुमने वाकई शंकारा जैसी बदरू को नए और अनोखे अंदाज में कैद करके बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। वेरी गुड, जूलिया ने जोसेफ की तारीफ करते हुए कहा। लेकिन इमरान, जूलिया ने अभी इतना ही कहा था कि उसी लम्हे जोसेफ पर एक साया सा झपटा। इससे पहले कि जोसेफ कुछ समझता, साये ने यकलक उससे चांदी की बोतल छीनी और फिर उन सब ने चांदी की बोतल समेत साये को आसमान पर प्रवास करते देखा। साया जोसेफ से बोतल छीन कर तेजी से आसमान की तरफ बुलंद हो गया था और जोसेफ अरे अरे करता रह गया। ये क्या हो गया, ये साया क्या था और बोतल कहाँ ले गया है, जूलिया ने चीखते हुए कहा। गंडाप की दलदलों की बूढ़ी बदरू, ओ ये गंडाप की बूढ़ी बदरू साकाली थी, वो शंकारों को अपने साथ ले गई है, जोसेफ ने कहा। अब क्या होगा, क्या वो शंकारों को बोतल से आजाद कर देगी, नुमानी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, ये तो और अच्छा हो गया है, बदरू साकाली चांदी की बोतल ले गई है, अब शंकारा उस बोतल से कभी आजाद नहीं हो सकेगी, जोसेफ ने मुतमईन लहजे में कहा। तो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब, चौहान ने हैरानी से पूछा। अगर बोतल हमारे पास रहती तो शंकारा की बदरू ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों तक उस बोतल में कैद रह सकती थी, 90 दिनों के बाद वो खुद ब खुद बोतल से आजाद हो जाती और हमारे लिए खतरे का बास बन सकती थी, जिसके लिए हमें ला महाला अफ्रीका के जंगलों में जाना पड़ता, लेकिन अब हमें अफ्रीका के जंगलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोसेफ ने कहा। वो क्यों, सबने हैरत से कहा। चांदी की बोतल को साकाली के नापाक हाथ लग चुके हैं और वो इसी बोतल को लिए गंडाब की दलदलों में उतर जाएगी। दलदल से बोतल को निकालने के लिए अगर मावराई ताकतों के आमिल कोशिश भी करेंगे तो उन्हें 9 साल लग जाएंगे। खुद ब खुद उस बोतल से निकलना अब शंकारा के लिए नामुमकिन हो गया है, कतई नामुमकिन, जोसेफ ने कहा। गुड, इसका मतलब है अब हमें शंकारा की तरफ से कोई खतरा नहीं है और न ही अफ्रीका के जंगलों में जाने की जरूरत है, जूलिया ने कहा। 9 साल कोई ज्यादा अरसा नहीं है, जाना तो हमें होगा मगर अब इसकी फौरी जरूरत नहीं है, लेकिन एक फायदा जरूर हुआ है, इमरान ने कहा। कैसा फायदा, जूलिया ने चौंक कर पूछा। जोसेफ ने कहा था कि शंकारा के हुसूल के लिए बहुत से शैतानी जरियते यहाँ आ सकती हैं। अब जबकि शंकारा को साकाली नामी बदरू ले गई है तो जाहिर है शैतानी जरियते यहाँ क्या करने आएंगी, क्यों जोसेफ, इमरान ने कहा और फिर सवालिया नजरों से जोसेफ की तरफ देखने लगा। यस बॉस, अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है, अब हम जब चाहे आजादी से अफ्रीका के जंगलों में जा सकते हैं, जोसेफ ने कहा। शुक्र है, वरना फौरन अफ्रीका के जंगलों में जाने के ख्याल से ही मेरी रूह फना हुई जा रही थी, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। वो क्यों, जूलिया ने कहा। अफ्रीका के जंगलों में जोसेफ द ग्रेट की बहुत जान पहचान है, वो जब भी अफ्रीका के जंगलों में जाता है बहुत सी ब्लैक ब्यूटियां उसके पीछे लग जाती हैं, और मैं तो वैसे भी जोसेफ का बॉस हूँ, अगर जोसेफ के पीछे ऐसी ब्यूटियां लगेंगी तो मेरे पीछे जाहिर है उनका झमकटा ही होगा। अब तुम कुछ सोचो, मैं एक वाइट ब्यूटी और उसके भाई को ही नहीं संभाल सकता, 20 ब्लैक ब्यूटियों को क्या खाक संभालूंगा,
क्यों तनवीर? इमरान ने उस अंदाज में कहा कि वो सब कह कहे लगाए बगैर न रह सके। जबकि इमरान की बात सुनकर तनवीर उसे खूंखार नजरों से घूर रहा था, जैसे उसका बस न चल रहा हो कि वो इमरान की बोटियां उड़ा दे। खत्म शुद्ध।